ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर साइंस पीरियड एंड इन द साइंस पीरियड वी विल रीड वन कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द लिविंग बींग्स एंड दैट इज मोमेंट। आई मीन वी विल रीड पेज 65 एंड टूडेज टॉपिक इज मोमेंट। मोमेंट यानी गति। आप जान चुके होंगे कि ढेर सारे जीव जंतु तरह तरह की गति करते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ही उनकी गति कहलाता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव इन वन वे और द अदर वे। सभी जीव एक तरीके से या अन्य दूसरे तरीके में भी गति करते हैं। मोमेंट इज क्लियरली सीन इन एनिमल्स। जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें गतियाँ होती हैं, बड़े अच्छे से दिखाई पड़ सकती है। बट इज नॉट अपेरेंट इन प्लांट्स, लेकिन वो पेड़ पौधों में सुस्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। एनिमल्स मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो जीव जंतु या जानवर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मुक्त रूप से गति करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आवास की तलाश में। प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। पेड़ पौधे जो है वो जमीन पर फिक्स पड़े रहते हैं, स्थिर पड़े रहते हैं। एंड हेंस और इस तरह से कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इस तरह से देखा जाए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। हाउएवर मूविंग इन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व। फिर भी देखा जाए कि मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में गतियों को देखा जा सकता है। क्लियरली कैन बी ऑब्जर्व, वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। द मूवमेंट ऑफ रूट्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रोथ। द मूवमेंट ऑफ रूट्स, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उनमें नीचे की दिशा में गति होती है। द मूवमेंट ऑफ रूट्स एंड दैट ऑफ द स्टेम, और जो तने होते हैं उनकी एंड लीव्स और पत्तियों की अपोर सारी जिनिस वो ऊपर की तरफ बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। प्लांट्स आल्सो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। पौधे सूर्य की रोशनी की दिशा में भी गति करते हैं। जैसे आप सनफ्लावर को देख सकते हैं। ढेर सारे पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी की तरफ झुक जाया करते हैं। इसको आप एक्टिविटी से भी देख सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को एनी टाइम परफॉर्म करके अपने घर पर देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज फीडिंग। फीडिंग मीन्स खाना पीना। हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है व्हेन यू डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम, जब आप समय से भोजन नहीं प्राप्त करते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू ग्रो। सारे सजीवों को बढ़ने के लिए एंड टू वर्क और कार्य करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। सारे पौधे मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का भोजन बनाते हैं इन देयर ग्रीन लीव्स, अपनी हरी पत्तियों में। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, तो उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एज दे सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। ऐसा क्यों कहा जाता है, दे सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स, वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दे डू नॉट मूव अबाउट लाइक एनिमल्स टू गेट फूड, वो पेड़ जानवरों की तरह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर गति नहीं करते हैं। दे डू नॉट मूव, वो गत नहीं करते हैं अबाउट इधर उधर लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह गत को भोजन प्राप्त करने के। मेनी वाइल्ड एनिमल्स गेट देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स, कई जंगली जानवर
दूसरे जानवरों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अदर्स ईट ओनली प्लांट्स, दूसरे जातियों की ओर पेड़ पौधों को ही खाते हैं। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक नहीं होते हैं बल्कि उपभोक्ता होते हैं। एज दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, चाहे दूसरे जीव जंतु हों चाहे वो दूसरे पेड़ पौधे हों, तो इस तरह से उनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन, वी विल रीड लेटर। थैंक यू वेरी मच, दैट इज एनफ फॉर टुडे।